वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशन है हमारे पेरिमीटर एरिया रिलेटेड से चैप्टर से। हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 11.3 क्लास 7 की जो एनसीईआरटी की बुक है उससे देख रहे हैं, बट ये किसी भी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप पेरिमीटर एरिया ऑफ अ सर्कल समझना चाहते हैं। लास्ट दो वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से पेरिमीटर या आप कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है सर्कल का किस तरीके से निकला है, ड्राइव हुआ है, हमने वो एक्टिविटी से देखा था। उसके बाद हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे, उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से एरिया ऑफ अ सर्कल ड्राइव होता है। तो डू चेक दोस वीडियोस आउट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये है 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखने वाले हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, जब उसको ये तीन पार्ट आपको दे रखे हैं और वहां पे स्पेसिफिकली बोला है पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 ही लेनी है। आइए चलते हैं इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमें पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है, सर्कल का एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू आपने 22/7 दे दी है। अगर नहीं दी होती तो हमारी मर्जी है हम 22/7 ले या 3.14 ले, तो चिंता मत करें उसके बारे में। 22/7 = 14। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर स्क्वायर का जो मतलब होता है वो होता है आर मल्टीप्लाई बाय आर, मतलब एक्सपोनेंट्स एंड पावर में आपने पढ़ा होगा, नहीं याद तो प्लीज एक्सपोनेंट्स एंड पावर से भी रिलेटेड हमने वीडियो बना रखी है, तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, 14 × 14। तो यहाँ पर 7 × 2, तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 22 × 14, क्योंकि डबल करना आसान होता है। तो 22 और 14 या 8 और यह आएगा कितना, 2 8 2 8 0 3 3 0 8 3 0 8 × 2, इसको डबल कर देते हैं 16 1 और यह 6, तो हमारा आंसर हो गया मिलीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे मिलीमीटर स्क्वायर क्यों डाला सर आपने, पहली बात तो एरिया में स्क्वायर आता है, बट आता क्यों है पहले वो समझते हैं। देखो 14 क्या था वो मिलीमीटर में था, और ये वाला 14 क्या था ये मिलीमीटर में था, तो मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर, जैसे कि आर इंटू आर आर स्क्वायर। तो रट्टा नहीं मारना, समझना है कि मिलीमीटर स्क्वायर क्यों आया। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। आपने देखा डायमीटर इक्वल्स टू 49 मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा जो फॉर्मूला है एरिया का वो है पाई आर स्क्वायर, हमें रेडियस चाहिए, तो डायमीटर से हमें रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस हो गया डायमीटर अपॉन 2, 49/2। चाहे तो आप इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, बट आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि मुझे आगे अभी इसको वैल्यू को पुट करना है। तो पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस कितना है 49/2 × 49/2, ये हमने कर दिया। अब हम इसको कैंसिलेशन करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है, या 7 या 11, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा। तो पहले हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 49 × 11 कर लो, बहुत ही आसान हो जाता है 49 49, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 9 3 5 539 539 को हमें क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है, 539 × 7, और नीचे अपॉन 2 अभी रह चुका है, तो हम अपॉन में 2 लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको पहले, 7 × 9 = 63, 6 आया, 7 × 3 = 21 21 + 6 = 27 35 + 2 = 37/2, तो 37/2 आ चुका, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 17 मतलब 8 × 16
यहां वन बचा, फिर 8 2 16 यहां वन बचा, 6 2 12 0.5। सो आंसर आ गया यहां पर 1886.5। उम्मीद करता हूं आपको यह आंसर समझ में आया होगा। तो आंसर हो गया 1886.5 मीटर स्क्वायर। आइए चलते हैं सी पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जल्दी से। दूसरा पेन ले लेता हूं मैं। एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 5 इंटू 5। अब इस केस में आप बोलेंगे कट नहीं सकता, तो हम क्या कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद इसको हम सॉल्व कर देंगे, या फ्रैक्शन में भी हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, 22 × 25 करते हैं सीधा, 22 × 25 बेसिकली मैं 25 ऊपर लिख रहा हूं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करते समय क्या होगा, आ जाएगा 50 50 0 5 5 550। अब 550 अपॉन 7। अब ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। ओके, 7 7 49, 7 8 56, तो 7 7 49 पे हम रखेंगे इसको। ओके, तो हम यहां पर आ जाएगा 60। सो हमने अभी अभी देखा था 7 8 56, तो 4 आया। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन 78, रिमाइंडर 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी वीडियोस और आपको मिस आउट ना हो जाए, जैसे ही हम अपलोड करें आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। अब हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।